हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बिगम मेथड के ऊपर क्वेश्चन। इससे पहले हमने सिंपलेक्स और बिगम मेथड के बीच में डिफरेंस देखा था, और उससे पहले हमने एक्सप्लेन किया था कि बिगम मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं थ्योरेटिकली। ठीक है, अब हम उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। सो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो गाइस, हमने हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज करना है हमारे को इसको। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है यूजिंग बिगम मेथड। नाउ गाइस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर तीनों चीजें हैं। इसके अंदर मैंने इक्वल टू साइन वाला कंस्ट्रेंट भी ले लिया है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू वाला भी ले लिया है, और एक लेस देन इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट भी ले लिया है। तो इससे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हमारे को बिगम मेथड सॉल्व कैसे करना है। तो ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले जो दो वीडियो हैं बिगम की, उनको मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखिए तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो गाइस लेट्स शुरू करते हैं। तो पहले हम इसको कैनोनिकल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले वाले को हम लिखेंगे 3x1 + x2 + a1 = 3। जब भी हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है तो हम उसमें ए वन ऐड कर देते हैं। ये बिगम की क्राइटेरिया है। नाउ अब हम दूसरा वाला कंस्ट्रेंट देखते हैं, 4x1 + 3x2 + इसमें अब ये है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस टू एस वन ले लेते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ पे हम दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देंगे a2 और इक्वल टू 6। ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये है हमारा s1। ठीक है, ये हमारा s1 हो गया। अब हम दूसरा वाला देखते हैं, तीसरा कंस्ट्रेंट देखते हैं, x1 + 2x2। अभी लेस देन इक्वल टू है तो हमें कुछ नहीं करना, स्लैक वेरिएबल s2 ऐड कर दिया इक्वल टू 4। तो ये हमारे तीनों तरीके हो गए कि इक्वल टू के लिए कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन के लिए कैसे लिखते हैं, और लेस देन इक्वल टू के लिए कैसे लिखते हैं। तो वो हमारा तीनों चीज़ें हमारे को मिलती। अब हमारा मेन टास्क क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखते हैं कि वो कैसे आएगा, मैक्स ऑफ जेड। तो इसको लिखते हैं -2x1 - x2, इतना पार्ट तो सेम ही रहता है, फिर +0.s1 + 0.s2। ठीक है, फिर -ma1 - ma2। ठीक है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिंपलेक्स मेथड से अलग है ये वाले पार्ट। ठीक है, इन पार्ट्स को ध्यान से देखना है और अच्छे से लिखना है। नाउ गाइस, इस पे आ जाते हैं। ये वाली जो टेबल का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमारा सिंपलेक्स मेथड में होता है। इसमें कुछ ऐड ऑन्स होंगे, कुछ चीज़ें चेंज होंगी, बहुत माइन्यूट चेंजेस होंगे वो, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आपने सिंपलेक्स पर सीखा है। अगर आपको सिंपलेक्स आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिगम का, योर टू फेज जो हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो गाइस, अभी इस पर फोकस करते हैं, पहले टेबल फिल करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे पहले x1 जो सिंपलेक्स में करते थे, सिंपलेक्स में भी ऐसे करते थे। अब बस यहाँ पे क्या चीज ऐड हो गई, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो गए। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो गए, अब हम उसको यहाँ से उठाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, उनके कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे भाई। यहाँ पे आएगा -2, x2 का क्या है -1, s1 का 0, s2 का 0, इसका क्या है -m, इसका है -m, दोनों का -m हमेशा आएगा जब भी आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे। अब भाई यहाँ क्या भरे, यहाँ पे हम भरेंगे बेस वेरिएबल। अब यार बेस वेरिएबल कैसे भरते हैं, उसके अंदर तो हम s1 s2 लिखते थे, तो हम यहाँ पे s1 s2 लिखे, a1 a2 लिखे, क्या लिखे। अब यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा, ऊपर से नीचे जो ऑर्डर है आपका, जैसे कि यहाँ a1 है तो पहले आप a1 लिखेंगे, और अगर आपका s1 और दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल, मतलब कि कोई सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल एक ही उसमें आ रहा है इक्वेशन में, तो आपको सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को लिखना है, आप इस वाले सरप्लस वेरिएबल को नहीं लिखेंगे कहीं पे भी, यहाँ को छोड़ के ये ऊपर जो लिखा है। ठीक है, अब दूसरी वाली इक्वेशन में तो सिर्फ s2 है तो भैया s2 लिख दिया। अब इनके कोएफिशिएंट लिख देते हैं यहाँ पे, a1 का क्या है -m, a2 का क्या है -m, s2 का क्या है 0, तो ये इनके कोएफिशिएंट हो गए। अब यहाँ पे कैसे फिल करते हैं हम इनको यूज करके, कैसे यूज करते हैं इनको, सीधे सीधे कोएफिशिएंट लिखना, x1 कोएफिशिएंट क्या है इसमें 3, x2 का क्या है 1, s1 तो यहाँ है नहीं, s2 भी यहाँ नहीं है, a1 है और a2 नहीं है, सॉल्यूशन में क्या आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, सिमिलरली अब इसको देखेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा 4 और x2 के लिए 3, s1 क्या है -1 है, s2 यहाँ है नहीं, a1 यहाँ है नहीं, a2 है यहाँ, तो यहाँ पे क्या है 6 सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले की बारी आ गई। अब x1 में क्या लिखेंगे भाई 1, x2 में क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे तो s1 है नहीं, s2 है, s2 में 1 आ गया, a1 नहीं है और a2 भी नहीं है, तो यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन में 4। ठीक है, तो इतना हमारे को यहाँ पे लिखना था। तो अब हम क्या करेंगे, zj निकालेंगे जैसे कि हम सिंपलेक्स में करते थे।
अब जेड जे में आप जब निकालेंगे तो जेड जे का क्या फॉर्मूला होगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इन सबका एडिशन निकाल दो। ठीक है, तो हम जब इसका एडिशन निकालेंगे और मल्टीप्लाई करके तो हमारा आएगा -7m, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, यहाँ -4m आएगा, यहाँ पे m आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे -m आएगा, यहाँ पे भी -m आएगा। ठीक है, अब हमारे को भाई क्या निकालना है, सी जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे। सी जे क्या है भाई, सी जे हमारा ये है, जैसे सिंपलेक्स मेथड में था बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे m ऐड हो गए, आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, यहाँ तक कि फॉर्मूले भी जो यूज होंगे ना वो भी सेम यूज होंगे। तो हमारे को क्या करना है, सी जे माइनस जेड जे, भाई सी जे माइनस जेड जे कैसे निकालें, यहाँ तो m है, कोई बात नहीं भाई लिख के देख लेते हैं क्या करना है, -2 + 7m लिख देते हैं। ठीक है, इससे आगे तो सॉल्व होगा नहीं वाला पार्ट, फिर यहाँ -1 + 4m आ जाएगा, क्योंकि भाई हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, यही तो आएगा, यहाँ पे -m आएगा, क्योंकि 0 - -0 - m - m, 0 - 0 - 0, और -m - -m 0, और यहाँ पे भी 0। ठीक है, ये बात समझ आई। तो जब भी हमारे को मैक्स निकालना होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सी जे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन हमारी आनी चाहिए, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हमारे को यहाँ चेक करना है क्या ये सेटिस्फाई हो रही है, नहीं यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हमारे को यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू उठानी है। हमारे को ये तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक हमारे जो एम है, एम की वैल्यूज हैं, वो एलिमिनेट ना हो जाए, मतलब कि यहाँ पे एम आना बंद हो जाए, जब तक एम आता रहेगा हम सॉल्व करते रहेंगे। तो ये इसकी कंडीशन देखनी है आपको कि ये एम जब तक आ रहा है तब तक कॉल सॉल्व करते जाइए, जब एम आना बंद हो जाए तो फिर ये कंडीशन चेक करिए और अपने जो सोल्यूशन के होंगे आंसर्स x1 और x2 वो इसमें डालेंगे, तो फिर हमारा जेड मैक्स आएगा। तो अभी क्या करें भाई, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है आपको, देखिए यहाँ पे 7m है या 4m है या माइनस, ये तो हट गए, 0 है और ये -m है, तो ये तो है ही नहीं, सबसे बड़ा ये है हमारा 7m। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं इनका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे को रो की रो और की कॉलम मार्क करने हैं। तो भाई क्या करेंगे, जैसे सिंपलेक्स मेथड पे करते थे, इसके ऊपर वाली रो कॉलम उसको हाईलाइट कर देंगे, ये हो गई हाईलाइट। अब भाई इनका क्या यूज है, इसको रेशो निकालना है, कैसे निकालते हैं रेशो, 3/3 लिखेंगे इधर, इसका इसका रेशो निकाल रहे हैं ना, इसका इसका 3/3 1, 6/4 कितना होता है भाई, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, 4/1, 4/1 कितना होता है 4। अब इस एरिया में क्या निकाल देते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम, तो यहाँ पे हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू ये है, कंसिडरिंग दैट इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती तो उसको नहीं उठाते, क्योंकि हमारा जो मिनिमम होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब हमारा ये वाला कॉल रो हाईलाइट हुई है, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है हमारी जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये की रो है, ये है की कॉलम, और ये है की एलिमेंट। अब मैंने क्या बताया था कि जो हमारा की एलिमेंट होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है। तो भाई क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे और उसको यहाँ लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमारे को, कि ये हमारा एंट्री वेरिएबल होगा और ये हमारा लीविंग वेरिएबल होगा। इसका मतलब क्या है कि हम A1 की जगह X1 लिख देंगे यहाँ पे, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। ठीक है, और X1 ने कोएफिशिएंट क्या है, -2, -2 से कभी छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे A2 ही रहेगा, यहाँ पे S2 ही रहेगा, इनके कोएफिशिएंट भी वही रहेंगे जो लिखे थे। ठीक है, यहाँ वही लिख देते हैं। अब क्या करना है, इस वाली रो को, इसका की एलिमेंट क्या करना है, 1, तो इस वाली रो में पूरा 3 से डिवाइड कर दो भाई, 3/3 1, 1/3 आ गया, ये 0 0 ही रखते हैं, 1/3 और आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं ना, A1 जैसे हट गया यहाँ से, ध्यान दो, A1 जैसे ना यहाँ से हट गया, तो A1 को अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, A1 पे दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है, आर्टिफिशियल वेरिएबल था, हट गया वैसे ही, अच्छा हट गया, तो यहाँ ना क्रॉस लिख दो, यहाँ क्रॉस बना दो तीनों जगह, इसका कोई यूज नहीं है हमें। ठीक है, हमारा एक कैलकुलेशन खत्म हो गई, ये A1 के नीचे लिखना, कहीं A2 के नीचे लिख दो, नहीं तो जो हटता है यहाँ से उसको लिखते हैं, अगर पहले A2 हटता तो A2 के नीचे क्रॉस आता। ठीक है, ये नहीं है कि A1 के पहले, ये A1 पहले आता है इसलिए A1 का क्रॉस होगा, ये नहीं है, A2 अगर जो पहले हटता है उस पर क्रॉस आएगा। ओके, आप प्रोसीड करते हैं। अब क्या कर रहे थे, ठीक है, यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे थे ना इसको, ताकि हमारी की वैल्यू बना जाए, तो यहाँ पे भी बना। ठीक है, अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं है, वही वाला फॉर्मूला है, न्यू वैल्यू का, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड,
माइनस की रो, इसको मैं के आर लिख रहा हूँ, माइनस इन्हें इंटू के सी, उसको मैंने की कॉलम कह रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा आ गया की एलिमेंट के ई। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो भाई हमें ये वैल्यू निकालनी है, पेन चेंज कर लें सही रहेगा। तो अब हमारे को ये वैल्यू निकालनी है एन वी। अब एन वी क्या है भाई, एन वी है हमारा ओल्ड वैल्यू, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू क्या थी, 4। ठीक है, इंटू की रो, की रो क्या है इसकी, एक बात याद दिलाई थी मैंने आपको, ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वाली जो रो होगी, कॉलम होगी ना, की एलिमेंट वाली, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो ये जीरो ही हो जाएगी डायरेक्टली, ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप सॉल्व करोगे ना जीरो ही आएगा, इसको 4 को आप इससे सॉल्व करोगे जीरो ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं निकालेंगे, हम सीधे आते हैं इस पे, एन वी पे। अब एन वी है हमारा यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू क्या है भाई, 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग की रो क्या है, 1 है, की कॉलम क्या है, 4 है, की एलिमेंट हमेशा सेम रहता है कितना, 3 है, तो ये हो गया 9 - 4/3 विच इज इक्वल टू 5/3, कितना आया हमारा, ये हो गया 5/3। तो एन वी की जगह लिख दिया हमने 5/3। इस वाले को और सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी हम सोच रहे ऐसे लिख देंगे यार, क्योंकि ये तो सिंपल है, आपको भी आती है कैलकुलेशन, मैं सिंपलेक्स में भी सब में सॉल्व करके दिखा चुका हूँ, और ये तो बेसिक पार्ट है, इसके बिना तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे एन वी, इसके लिए इसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी, करस्पॉन्डिंग -1, माइनस ऑफ यहाँ क्या है, 0। एक और कंसेप्ट आ गया हमारा यहाँ पे, जब भी की रो या की कॉलम में से कोई एक भी 0 होता है, तो जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है वही यही आ जाती है। एक बात करके दिखा देता हूँ, जैसे कि यह की रो है, की रो 0 है इसका, की कॉलम 4, की एलिमेंट हमेशा सेम रहता है कितना आया, 3, ये तो 0 हो गया, कितना बचा, -1, वही यहाँ पे था लिखा हुआ पहले से, वही यहाँ लिखना है वापस। तो ध्यान रखो, जब भी यहाँ पे की रो या की एलिमेंट की कॉलम जब भी 0 होता है इनमें से कोई भी एक या दोनों, तो वही चीज़ यहाँ आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे फिर से 0 है, तो मैं बिना सोचे समझे 0 लिख सकता हूँ, गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0 है बाई चांस, तो भाई ये भी मेरा 1 ही आएगा, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा हमने, यहाँ पे यही आएगा हमारा। ठीक है, इसको हमारे को कैलकुलेट करना नहीं है, तो -1, 0 और 1 यहाँ पे आ गया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ये जो हमारा 6 वाला, ये वाला पार्ट है, इसको लिख देते हैं एन वी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब जब हमने लिखा एन वी इसके लिए, ओल्ड वैल्यू क्या है भाई, 6, माइनस क्या है, के रो क्या है, की रो क्या है, ये 3, की कॉलम क्या है, 4 आ गया, डिवाइड किससे करना है, एलिमेंट से, हमेशा सेम रहता है कितना है, 2, तो यहाँ पे न्यू वैल्यू की जगह लिख देंगे 2। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करते जाओ मेरे, नहीं समझ आ रहा तो वीडियो एक और बार देखना और उसके बाद लिखते जाना, अपने आप एक बार सॉल्व करके जरूर देखना, अभी मैं कह रहा हूँ मेरे साथ करते जाओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू निकालनी है भाई, बस ये वाली तक निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी 3 में ऐसे लिख दूंगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं एन वी। ठीक है, आप मेरे से पहले निकाल लोगे, बाकी इतना सा नहीं है, एन वी ये है, और यहाँ पे हमारी ओल्ड वैल्यू क्या है, 2, माइनस की रो क्या है, ये है इसके लिए की रो 1, की कॉलम क्या है भाई, ये 1 है, ये है की कॉलम इसके लिए। ठीक है, की एलिमेंट हमेशा सेम रहता है कितना हो गया, तो हो गया 6 - 1/3, कितना आया, 5/3, इसको हटा के क्या लिख देंगे, 5/3। ठीक है, बाकी सब मैं ऐसे लिख रहा हूँ सीधे सीधे, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा, 3, तो ये आपका 1, 2, 3 आएगा इधर, और ये इसको सॉल्व करना नहीं है क्योंकि ये वन था, तो हमारी कैलकुलेशन बच गई 3। ठीक है, अब भाई क्या निकालते हैं, जेड जे, जेड जे निकाल लेते हैं, जेड जे का फॉर्मूला बहुत बार बता चुका हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इनका एडिशन, बस इतना करना है। तो क्या लिखा आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पे हमारा आएगा -2। ठीक है, इधर आएगा -2/3 -5m/3। ठीक है, यहाँ पे आएगा m, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा -2/3, या इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों लिखें इसको फालतू में, इसको क्रॉस ही रहने दो। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, -m, -m आएगा ना, क्योंकि ये दोनों तो 0 है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, सीधे -m आएगा। अब क्या देखना है, सी जे माइनस जेड जे, सी जे क्या है, जो ऊपर तब से चला आ रहा है, इसको इससे माइनस कर दो, -2 - 2 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम ही चीज़ को 0 आएगा। अब ये -1 को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, सर ये क्या कर दिया, ये तो बड़ा हार्ड सा है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, इसको सीधे लिख दो -1
प्लस 2/3, क्योंकि नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस 5m/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एम आएगा, ऊपर जीरो है, यहाँ जीरो ही आएगा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इसको रहने दो, यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी वैल्यू हमारी ये है मैक्स, हमें क्या उठाना है, मैक्स मैक्स उठाना है हमें। कलर चेंज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कलर चेंज कर लिया हमने, अब यहाँ पे मैक्स है, इसको हाईलाइट कर दो। इसका क्या काम है, रेशो निकालने का, आता नहीं। रेशो कैसे निकालते हैं, इसे इसको इसके नीचे लिख दो, मतलब कि 1/1/3 कितना आया, 3, 2/5 × 3 कितना आया, 6/5, 6/5 कितना होता है, 1.2, ठीक है। और 3/5 × 3 ये हो गया 9/5, ठीक है। तो ये हमारा होता है 1.8। मिनिमम वैल्यू क्या है, ये है मिनिमम वैल्यू का क्राइटेरिया, क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम रो को हाईलाइट कर देंगे। अब बताओ भाई, इसके अंदर की कॉलम क्या है, की रो क्या है, की एलिमेंट क्या है, ये है की रो, ये है की कॉलम, ये है की एलिमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, आगे सॉल्व करना है, क्योंकि अभी भी एम एलिमिनेट नहीं हुआ है, एम जो है एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो हम आगे करते रहेंगे इसको सॉल्व जब तक एम हमारा हट नहीं जाता, ठीक है। और उससे पहले एक चीज भाई, ये क्या है आपका लिविंग वेरिएबल, ये क्या है आपका एंट्रिंग वेरिएबल, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एक्स वन तो ऐसे ही रहेगा, ए टू की जगह हमने एक्स टू लिख दिया, एस टू भी वैसे ही रहेगा। अब भाई एक्स टू का कोएफिशिएंट माइनस वन है तो छोड़ के जाएगा नहीं इसको, और एक्स वन का क्या था, माइनस टू था, एस टू का क्या था, जीरो ही था। तो अब यहाँ पे लाइक खींच देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब हम देखेंगे कि ए टू हट चुका है, अब जब हटता था तो क्रॉस मार दिया करते थे, ठीक है। ए वन पे तो पहले से क्रॉस था, अब ए टू पे भी क्रॉस आ गया, मतलब कि छह कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन बहुत बचाता है हमारी। अब भाई एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे ना ये जो है कि एलिमेंट हमारा वन होना चाहिए, क्या है 5/3, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं है भाई, पूरे को 5/3 से डिवाइड कर देते हैं। अब पूरे को 5/3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तो जीरो रहेगा, यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ -3/5 आ जाएगा, यहाँ -3/5 आ जाएगा, और जीरो है तो यहाँ जीरो रहेगा, ठीक है। और आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, इस वाले को करेंगे तो 6/5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे को क्या है, इसको ये पता है, ये की रो की कॉलम है, तो इसके ऊपर का क्या होगा, जीरो, इसके नीचे का क्या होगा, जीरो, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारे को क्या निकालनी है वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज निकालनी है भाई, कौन सी वैल्यूज, ये और ये। तो पहले ये निकालते हैं, उसको लिखते हैं एनवी, लिख देते हैं, ठीक है। अब एनवी कैसे निकलेगा, इसे करस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू क्या है, वन माइनस जीरो, की रो जो है इसकी ये, अब जीरो आ गई की रो एक, क्या बताया था मैंने, वही चीज यहाँ दोबारा आ जाती है, ठीक है। ये देखोगे यहाँ पे भी जीरो है की रो में, तो ये चीज दोबारा यहाँ आ जाएगी, समझ रहे हो बात को। बस हमारे को अब ये निकालना है, मैंने ये निकालना है ऊपर वाली रो के लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं एनवी, ठीक है। अब भाई एनवी के करस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू क्या थी, जीरो, ठीक है। अब माइनस की रो, की रो क्या है, माइनस ऑफ माइनस वन, की कॉलम क्या है भाई, इसके लिए ये था, अब ये की कॉलम 1/3 है, की एलिमेंट हमेशा सेम रखता है जो है 5/3, 3 से 3 कट गया, कितना आया 1/5। अब हमारी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी 1/5, समझ आई बात, नहीं आई, अब यहाँ पे भी लिख देते हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं, यहाँ पे आपकी आएगी 3/5, ठीक है। नीचे की रो भी बढ़ रहे हैं, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ वन आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा, और यहाँ पे भी वन आएगा, आप चाहे तो कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं, सेम ही वैल्यूज आएंगी, चेक दे सब कुछ ये, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आसान है और आप बल्कि मुझसे तेज कर लेंगे, तो आपको इतना अच्छा आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है भाई, इतना देखो ये तो क्रॉस ही है, कुछ सॉल्व नहीं करना, अब जेड जे निकाल लेते हैं, निकाल ले जेड जे, जेड जे का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे क्या आया, -2, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा आपका 1/5, 1/5 आएगा, और यहाँ पे आपका आएगा 0 ही है, तो क्रॉस है, ऐसा कुछ चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं भाई, सी जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे कितना आया, -2 -2 0, ये भी 0,
कितना माइनस वन बाय फाइव कितना है जीरो। अब देखिए एम हो चुका है एलिमिनेट, अब हम आगे तो प्रोसीड नहीं करेंगे, हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब एक कंडीशन चेक करते हैं कि भाई ये सेटिस्फाई हो रही है, देख लेते हैं ये हो रही है, ये हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, तो हमारा क्या हो गया कंडीशन सॉल्व सेटिस्फाई हो गई। अब हम यहीं रुक जाएंगे और हमारे को हमारा आंसर भी मिल चुका है, ये है हमारे सोल्यूशन। ठीक है एस टू का नहीं, हम दोनों ऊपर का देखेंगे। जैसे कि इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि एक्स वन की वैल्यू है 3/5, ठीक है एक्स टू की वैल्यू है 6/5। अब क्या करना है, जेड मैक्स निकालना है भाई, इसको हम सिंपली ये वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर डाल देंगे, दैट इज माइनस 2 × x1 दैट इज 3/5 माइनस ऑफ 6/5, ये हो गया -12/5, ये आ गई है आपकी मैक्स वैल्यू जेड मैक्स, जो हमारा आंसर है। ठीक है ये था हमारा बिगिन मेथड, कुछ भी डिफरेंस नहीं है सिंपलेक्स का, बस ये पार्ट हमारा नया आ जाता है। और एक कंसेप्ट और है कि हमारे को एम एलिमिनेट करना है ताकि हम सॉल्व कर सकें, और फिर यही कंडीशन सेटिस्फाई करा के हमारे को यहाँ से जो सोल्यूशन आया है उसको एक्स वन एक्स टू में डाल के इसको फिर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के जेड मैक्स निकाल लिया, जो कि हमारा फाइनल वैल्यू है। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 था बिगिन मेथड पे, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और करूँगा, एक क्वेश्चन 2 होगा वो भी नॉर्मल होगा अच्छा इसी तरीके से, क्वेश्चन 1 होगा, क्वेश्चन 3 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर मैं टच करूंगा द कंसेप्ट ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। अनरिस्ट्रिक्टेड से मतलब है भाई ये जो वेरिएबल थे आपके एक्स वन एक्स टू ये तो थे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है अगर दिया नहीं है तो यही होता है, लिखा नहीं है ना क्वेश्चन में अगर, तो उसका मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्टेड है। अब दूसरे क्वेश्चन जो मैं करूंगा थर्ड वाला, उसके अंदर मैं लिख के दूंगा कि दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि मान लो मैं इसमें लिख देता एक्स टू, एक्स वन तो ग्रेटर देन जीरो है लेकिन जो एक्स टू है इज अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है तब उसके अंदर हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, टेबल बनेगी सेम ही, लेकिन जो ये वाली चीजें होंगी ना हमारी इक्वेशंस उसमें बहुत फर्क आएगा, ठीक है वो ध्यान देने की बात है। सो गाइस यही था इस वीडियो के लिए, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, बाकी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे ताकि आपको समझ आए। ओके तो गाइज एंड मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी उस पर डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, सो प्लीज फॉलो दैट। ओके गाइज दिस इज इट, आई एम रौनक जैन स्टूडेंट ऑफ NSIT, सी यू इन द नेक्स्ट वन।